नमस्कार किसान भाइयों, आपका प्रेम खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे पहले भी हम वीडियो आपके बीच में डालते रहते हैं, गांव में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, किसान से जुड़ी हुई आपके बीच में जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में ये ग्राम पंचायत देवरास पड़ती है, यहाँ पर हम आए हुए थे, फील्ड भ्रमण कर रहे थे। तो यहाँ पर एक हमारे बीच में प्रगतिशील किसान मिले हैं। इस समय फसल की कटाई चल रही है और इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना बतानी होती है। तो हमने देखा यहाँ पे गेहूँ की मड़ाई चल रही थी, तो यहाँ किसान भाई थे, वे जानकारी देना उचित समझा कि जैसे हम लोग बीज लगाते हैं, नया लेते हैं, हर साल सर्टिफाइड होता है, फाउंडेशन होता है, तो एक बार बोलने के बाद वो सर्टिफाइड हो जाता है, दूसरी कलम हो जाती है। जुगर हमने फाउंडेशन बीज लिया है, जुगर सरकारी गोदाम से कहीं फाउंडेशन बीज लिया था, ये पहली कलम होती है। इसमें आप कट्टा ले गए, उस पर सफ़ेद टैग लगा रहता है, उसको बोने के बाद में आप उसका बीज रख सकते हैं। जैसे आपने पहले फाउंडेशन बीज बोया था, तो बोने के बाद में अब जो मड़ाई हो रही है, तो इसमें सुरक्षा ये देखी जाती है कि जैसे आपने थ्रेसर जो लगाया है उसको पहले साफ़ कर लें, या दो चार पहले इसमें पूलियाँ डाल लें, उसको दाना निकालने के बाद में फिर जो दाना निकलेगा उसको आप बीज के लिए रख सकते हैं। तो वो सर्टिफाइड भी बीज हो जाता है, एक बार बोने के बाद फाउंडेशन बोते हैं, उसके बाद सर्टिफाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आप बीज तैयार करके रख सकते हैं, तो हमें नया बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वही हमारा बीज है जो बुवाई के लिए अच्छा रहता है, और उसमें दूसरी वैरायटी का बीज भी नहीं आ पाता है। क्योंकि जैसे थ्रेसर है, ये इस खेत में अभी मड़ाई कर रहा, अभी दूसरे खेत में मड़ाई करेगा, वहाँ वैरायटी दूसरी थी, इसमें वैरायटी दूसरी है। तो इसमें तरीका होता है कि पहले हमने थोड़ा पूली वगैरह डाली, उसके बाद में फिर निकालने के बाद में फिर जो दाना निकलता है उसको हम रखेंगे, तो उसी वैरायटी का ही सारे दाने होंगे, और उसको हमें उचित है जो व्यवस्था करके उसको भंडारण कर देना चाहिए, जिससे बुवाई के लिए उसे हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रगतिशील किसान है, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार शुक्ला, देवरास, गाँव देवरास जी, ग्राम देवरास, ब्लॉक भावलगढ़ा, शाहजहाँपुर, जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं जी। आप समय बहुत काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं जी? काफ़ी समय। और आपने बीज ये लिया था, कहाँ से लिया था आपने बीज? हमने वहीं से, सोसाइटी से लिया था। अच्छा, ये जो अपनी सरकारी समिति होती है जहाँ पे बीज अनुदान पे दिया था, वहाँ से लिया था आपने? इस पे बीज पे अनुदान भी मिला? अनुदान मिला था। कितने परसेंट मिला था आपको? 50% 50% मिला था। आप कोई भी बीज लेते हैं सरकारी गोदाम से, उसे 50% अनुदान दिया जाता है। जैसे ये किसान भाई बता रहे हैं कि ये बीज लेकर के आए थे, इनको 50% अनुदान भी मिला है कभी कभार। तो ये है जो आपने लगाया था, वैरायटी है, हमने देखा है, अभी आपके वीडियो में आपको दिखा भी रहे हैं कि ये दाने निकले हैं, इसके पैदावार अच्छी है, लेकिन कुछ दाने इसमें हल्के हुए बारिश की वजह से, जैसे कि अभी पीछे बारिश हो गई थी, उसमें काफ़ी हवा चली थी, फसल गिर गई थी। आपकी भी फसल गिर गई होगी? गिर गई फसल आपकी भी, गिर गई थी, उससे है जो दाना हल्का था, हल्का थोड़ा सा काला पड़ गया, काला पड़ गया है, उससे है जो पैदावार भी हल्की हो गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग खेती करते हैं। इस तरीके से आप बीज भी तैयार कर सकते हैं, एक फसल का आकलन भी किया जाता है, क्रॉप कटिंग की जाती है, तो आप कोई भी खड़ी फसल का है जो आप आकलन भी कर सकते हैं। आप उसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से खड़ी फसल का है, जो हम पूरी पैदावार बता देंगे इस खेत में कितनी पैदावार होगी, तो उसका आकलन किया जाए। 10x5 गुणे मीटर का एक एरिया नापा जाता है, उतने क्षेत्रफल में आप कितनी पैदावार हुई है आप उसको निकाल लीजिएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में उसका पूरे खेत का, एक हेक्टेयर का, एक एकड़ का आप उसका कैलकुलेट करके पैदावार निकाल सकते हैं। वो क्रॉप कटिंग भी की जाती है, हम लोग उस काम को कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी, जो आप है जो इस समय थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपको नया बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आप नई वैरायटी तैयार करके रख सकते हैं बोने के लिए, जिससे आपकी है जो लागत में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इस चीज़ को बताने के लिए हमने आपके बीच में एक वीडियो बनाया। ऐसे ही और भी कोई जानकारी एग्रीकल्चर से संबंधित होती, कृषि विभाग से संबंधित होती है, सोलर पैनल हैं, अपने कृषि यंत्र हैं, उसके बारे में हम बीच बीच में आपके बताते रहते हैं, जिससे आप लोग उसका टोकन निकालें, उसका लाभ लें, लाभ लेते रहें इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।